नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली चव्हाण, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए। ये आजकल तो नॉर्मल का ज़माना है, हर चीज़ हमें नॉर्मल चाहिए, तो प्रेगनेंसी भी तो नॉर्मल होनी ज़रूरी है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी क्या? नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी माँ और शिशु दोनों भी नॉर्मल हैं, उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है, हाई रिस्क नहीं है। फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी ये जानना ज़रूरी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी क्या। हाई रिस्क प्रेगनेंसी या अति जोखिम की प्रेगनेंसी ऐसे प्रेगनेंसी रहती है जिसमें माँ और बच्चे को दोनों को रिस्क है, उनके जान को खतरा है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? अगर माँ का एज ज़्यादा हो, मोर देन 35 ईयर्स या 17 ईयर्स से कम हो, या माँ का वजन ज़्यादा हो या बहुत ही कम हो, अगर हीमोग्लोबिन कम हो, या आजकल वेस्टर्नाइज कल्चर आया हुआ है तो अगर किसी को स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़ ये आदतें हो, तो दिस इज़ हाई रिस्क। और ऐसी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर किसी स्त्री को ब्लड प्रेशर हो, एनीमिया हो, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, एपिलेप्सी, ऑटो इम्यून डिजीज़, थायराइड, ब्लड डिसऑर्डर्स या कोई भी हाई रिस्क ऐसे फैक्टर्स हो, तो उसे कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी या अति दक्षता प्रेगनेंसी। कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान भी हाई रिस्क फैक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि लो लाइंग प्लेसेंटा या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसमें माँ का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है, या डायबिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे कहते हैं इंडिया इज़ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, तो आजकल हमें बहुत केसेस दिखते हैं जिसे GDM या जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी, या पेशेंट को एस्थमा हो, एपिलेप्सी हो, हार्ट डिजीज़ हो, तो दिस इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कभी कभी जुड़वा बच्चे रहते हैं, या बच्चे के बाजू में पानी ज़्यादा रहता है, या बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, जिसे IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी न हो और हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपने प्री प्रेगनेंसी काउंसिलिंग या प्री कंसेप्शन काउंसिलिंग एंड कंसल्टेशन करना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो, उसके पहले 3-4 महीने पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, जो भी ज़रूरी टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशंस है, मेडिसिंस है, वो चालू कीजिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो तो आप हीमोग्लोबिन बढ़ाइए, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो वो कंट्रोल में लाइए, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बदल के लीजिए, अगर आपको डायबिटीज़ हो तो आपका शुगर कंट्रोल में लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाई शुगर के साथ प्रेगनेंसी रहती है तो बच्चे में जन्म दोष हो सकते हैं। एट द सेम टाइम वजन ज़्यादा हो तो वजन प्रपोर्शन में कम कीजिए, करेक्ट एज में प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, बहुत देर तक मत रुकिए, डोंट वेट, 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी हाई रिस्क बन जाती है, तो करेक्ट एज में प्रेगनेंसी रहे तो इट इज़ बेटर। इसके अलावा खान पान में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, जिसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, वो कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, फोलिक एसिड टैबलेट, फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम रोज़ एक लेना है, एटलीस्ट कम से कम प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से ये लेना ज़रूरी है। अगर आप फोलिक एसिड लोगे तो आपके शिशु को जन्म दोष नहीं होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा। तो बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी हर तरह से शारीरिक मानसिक तैयारी होना ज़रूरी है, और इससे आपको ज़रूर नॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगी। और इस वीडियो में हमने देखा है कि हमने क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहेगी। फोलिक एसिड लेना ज़रूरी है, करेक्ट वेट, एज, आपके जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनकी करेक्ट ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, और ये सब आप अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो ज़रूर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहेगी।
इस विषय में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।